पौधे को यहाँ से नहीं ले गए तो हमारा तुमने नहीं मार पाए इसने राइट। जैसे तुम्हारा निशाना सही जगह पर लगा ना। वो रहा यूबोस। थोड़ा सा उलझा हुआ इन पौधों में। तुम दोनों जरा इन शोले बरसाने वाले भाइयों को संभालो, तब तक मैं यूबोस को ले आता हूँ। ठीक है, चलो आओ वर। इन्हें रोकने के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया मंत्र है। ये मंत्र पढ़ने का वक्त नहीं है, कैसी भागो। तुम फिक्र न करो, मैंने घड़ी की रफ्तार बढ़ा दी है। जादू का सारा काम आधे वक्त में हो जाएगा। देखो वो आए ना, इस बार खड़ी कर दो दीवार। गुल हुई दीवार। ठीक है, तो मुझे दूसरा जादू अपनाना पड़ेगा। अब कम से कम थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। यूबोस, हमें यहाँ से ले चलो। मुझे खुशी होगी। हमारे जादू का कमाल। हाँ, हमने जाले को और उसके चमचों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें हरा दिया। तुम सब बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, पर तुम्हारे ये शॉर्टकट वाले मंत्र मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर यू बोस, मैं एक साथ कई क्लासेस कर रही हूँ, उसके अलावा कई क्लब के मेंबर्स भी हूँ, जैसे इनकंडेशन क्लब के प्रेसिडेंट हूँ। मुझे शॉर्टकट तो लेने ही पड़ेंगे, वरना मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। यू बोस, बुजुर्गों की एक कहावत है कि कभी भी हर काम में माहिर बनने की कोशिश ना करो, वरना एक भी काम में माहिर नहीं बन पाओगे। अच्छा दोस्तों, बहुत रात हो चुकी है। कैसी क्या क्या कर रही है ये तो सोचकर ही मुझे थकावट सी हो गई है। हाँ, चलो चले, जाकर सो जाते हैं अपने अपने कमरे में। मुझे बहुत नींद आ रही है। गेजर को खबर करनी होगी। क्रिस्टल गेजर, एल्फिन पर किसी ने मंत्र फूंक दिया। सब लोग गहरी नींद में हैं। इतने शोर से तो मुर्दे भी जाग जाते। लाख कोशिशों के बावजूद वो नहीं जागे। सुनो बच्चों, इधर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? हमने जो सोचा था उससे भी बदतर हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो यूबोस? सुनो,
ये आवाज कैसी है? मैं ग्रेमलिन्स की आवाज को दूर से पहचान लेता हूँ। क्या ग्रेमलिन्स? इन्हें जालेक ने भेजा होगा। मुमकिन है, या ये खुद ही कोई भयानक काम करने आए हैं। कुछ भी हो, हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। आवाज बड़े हॉल की तरफ से आ रही है। ये जगह पिछले 100 सालों से काफी बदल गई है ना विंगो? ये जगह वही है, बस थोड़ी सी बदल गई है। और तुम भी काफी बदल गए हो। चलो इस स्कूल का सारा जादू चुरा लेते हैं, फिर हम वो ककू वाली घड़ी का जादू हमेशा के लिए तोड़ देंगे। देखो। जिंगो, वो उस ओर गए हैं विंगो। वो ज्यादा दूर नहीं गए। वो मिल गए तो उन पर ऐसा जोर का मंत्र फूकेंगे कि वो जिंदगी भर नहीं जाग पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमें चाहिए नींद को तोड़ने वाला एक जादुई मंत्र जिससे सब लोग जाग जाएं और उस ग्रैम्बियस की छुट्टी करने में हमारी मदद करें। नहीं, कैसी? सोने वाले मंत्र मामूली नहीं कि उन पर प्रयोग किया जाए। हर मंत्र के वक्त का दायरा अलग होता है। तुम्हारी छोटी सी भूल सबको हमेशा हमेशा के लिए सुला देगी। एक मिनट रुको, लेकिन वो लोग यहाँ का सारा जादू चुरा कर कुकू वाली घड़ी के जादू को हमेशा के लिए तोड़ने की बात कर रहे थे ना? देखो, वो 12:01 पर रुकी हुई है। ठीक उस वक्त सोने वाले मंत्र का जादू चल गया होगा। और हम सफर से 12:30 पर वापस आए थे, इसीलिए सिर्फ हम जगे हुए हैं दोस्तों। ए दोस्तों, जरा मेरी मदद करना। अब ये क्या है? मुझे लगता है ये किसी तरह का समय सेतु है। ये तो प्राचीन भाषा है। ए, तुम इस विषय में तो माहिर हो ना कैसी, बताओ ना क्या लिखा है। हाँ, ग्रेमलिन्स ने लिखा है कि सांप वो शाप है। मुझे भी ये भाषा आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ ठीक है, शाप किसी ने किसी तरह ये बनाया। जरा आहिस्ता पढ़ो कैसी, हमारे पास वक्त नहीं है। आहिस्ता पढ़ने से कहीं कोई भूल नहीं होगी। मैं इस भाषा में माहिर तो नहीं हूँ, फिर भी मैं एक बार कोशिश करके देखूँ। बेशक, यो बॉस के हिसाब से हमारे पास पूरी रात है। ओ ये बच्चे,
इसमें लिखा है कि ये महल एक जादुई जगह पर बना हुआ था कुछ 800 साल पहले। हाँ यही लिखा है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से ग्रेमलिंस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते थे। ग्रेमलिंस ने महल का काम रोकने की बहुत कोशिश की, पर शाही जादूगर ने संधि की और उन्हें श्राप में बांध दिया। हर 100 साल बाद एक दिन ग्रेमलिंस को बाहर आने की इजाज़त है और उस दिन पूरा महल गहरी नींद में सो जाता है। तुमने बहुत अच्छा अनुवाद किया वन, तुम भी ठीक ठीक कैसेंड्रा। तो आज रात 100 साल पूरे हुए हैं और ये ग्रेमलिंस जश्न मनाने आए हैं, ठीक कहा ना मैंने? और हमारे जादू का इस्तेमाल करके इस कुप्पू वाली घड़ी के जादू को खत्म करने। एक मिनट, ये पढ़ने दो, ये छोटे शब्दों में लिखा है, अगर वो कामयाब रहे तो इस महल के सारे लोग अगले 100 साल तक सोए रहेंगे। 100 साल नहीं, हमेशा के लिए। बिल्कुल सही। हम तुम्हें न जाने कहां ढूंढते रहे। बस अब बहुत हो गया पीते डकैतों, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हम अपना महल वापस लेकर ही रहेंगे। यो बॉस, तुम अपनी जगह पर चले जाओ। वहीं जाने में अकलमंदी है। लेस वाले जूते नहीं पहनती। Hey, Bingo! हाँ, Jingle! चलो हम इस पूरे महल को थोड़े अलग तरीके से सजा। नहीं नहीं, पहले तुम जिंगो। क्या फर्क पड़ता है? अंदर आने की जरूरत मत करना। बहुत हो गया, अब सीधे जंग होगी। सिकुड़ने वाला मंत्र। मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम हम सबको छोटा करने की बात सोच रही हो? बोलो कैसी। हाँ बिल्कुल, हमें छोटा करोगी। क्या सीहा मूंगफली जितने छोटे तो नहीं होंगे कि दरवाजे से निकल जाए? हाँ, और वैसे भी तुम्हारे मंत्र आजकल कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। किताब छोड़ दो। क्यों? तुम छोड़ दो। मैं क्यों? संभल कर, तुम्हारी खींचा तानी में कहीं मेरे पन्ने ना फट जाए। ओ, 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 ये देखो, सिकुड़ने वाला मंत्र, इसमें लिखा है समझ गई। ये बहुत लंबा है, इसीलिए मैं मंत्र को छोटा कर देती हूँ। अब देखना दोस्त। नहीं चाची, रुको। बड़ा है छोटा कर दे छोटा। देखा, हम लोग छोटे हो गए। एक बार फिर से शॉर्टकट करने के चक्कर में गड़बड़ कर दी ना। तुमने भी तो मुझे कोई सलाह नहीं दी गस। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा। मैं भी नहीं करूँगा।